दोस्तों चुनाव परिणाम तो 11 तारीख को आएंगे, लेकिन उसके पहले आ गए हैं एग्जिट पोल। आज तीन बड़े एग्जिट पोल की हम लोग बात करेंगे। तीन बड़े एग्जिट पोल आज आए हैं और इन एग्जिट पोल में क्या बताया गया है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, तो हम लोग बात करेंगे इसी पर। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और यहाँ पर हम लोग तीन बड़े एग्जिट पोल को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तीनों में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जो वर्तमान रूलिंग पार्टी है वही बनी रहेगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग सबसे पहला सर्वे जो क्या निकल के आ रहा है। देखिए एबीपी न्यूज़ का सर्वे, उसके बाद ये एग्जिट पोल। तो ये देखिएगा एबीपी न्यूज़ का एग्जिट पोल जो निकल के आ रहा है, ये बीजेपी को यहाँ पर दे रहा है 94 सीट्स, कांग्रेस को यहाँ पर दे रहा है 126 सीट्स और अन्य पार्टियों को 10 सीट्स यहाँ पर मिलती हुई दिखाई रही है। यानी कि एबीपी न्यूज़ के अगर हम एग्जिट पोल पर जाएँ तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है, तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर बात हो रही है। कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें, कांग्रेस यहाँ पर सरकार बना रही है, लेकिन दूसरा एग्जिट पोल इससे अलग है, उस पर हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है एग्जिट पोल अगला। तो देखिए दूसरा एग्जिट पोल जो कि आज तक का है और इस एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो ये जो कह रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी 104 से 122 सीटें ले रही है, कांग्रेस 102 से 120 सीटें ले रही है और अन्य के खाते में 4 से 11 सीटें जा रही हैं। तो ये आज तक का ओपिनियन पोल एग्जिट पोल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति नहीं बता रहा है। दोस्तों सबसे अंतिम जो एग्जिट पोल हम लोग देखेंगे ये इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को 122 से 123 सीट्स बताया गया है और कांग्रेस पार्टी को 86 से 92 सीट्स और अन्य पार्टियों को 4 से 8 सीट यहां पर दी गई हैं। तो यहां पर बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 122 से 130 सीट्स बीजेपी को यहां पर बताया गया है। ये इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल एग्जिट पोल है। आप लोगों के हिसाब से किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है, आप भी अपना एग्जिट पोल, अपना खुद का एग्जिट पोल बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना खुद का एग्जिट पोल लिखें और आप बताएं कि कितनी सीट्स आप देना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। देखते हैं कि आने वाली 11 तारीख को क्या आपका एग्जिट पोल करेक्ट बैठता है या नहीं बैठता है। तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना एग्जिट पोल जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया है और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की तीन बड़े एग्जिट पोल के बारे में जो कि मध्य प्रदेश के जो है अगले 5 वर्ष के इतिहास को रचेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 5 वर्षों में जो विकास होगा उसको बयां करेंगे। तो देखते हैं हम लोग अगले 5 वर्ष मध्य प्रदेश के लिए और कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ बढ़ोतरी होगी मध्य प्रदेश के लिए या कुछ परिवर्तन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, देखते हैं हम लोग आने वाले 11 तारीख को। तो इसी एक आशा के साथ कि मध्य प्रदेश में क्या होगा यह हम 11 तारीख को देख पाएंगे, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।